नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। दोस्तों आज मैं आपको इस बाथरूम में कंबाइंड डब्ल्यूसी इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे कमोड का पॉइंट में बनाया हूँ। तो दोस्तों इस जगह पे इटालियन कलेक्शन का कंबाइंड कमोड अभी यहाँ पे इंस्टॉल करना मैं आपको सिखाऊंगा। कमोड इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, उसको प्रॉपर तरीके से कैसे फिक्स किया जाए ताकि जो है उसमें इन फ्यूचर कभी भी लीकेज ना आए, और साथ ही दोस्तों कमोड का कवर कैसे फिक्स करते हैं, फ्लश का लेवल वगैरह सब कुछ कैसे सेट करते हैं, कंप्लीट जानकारी के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। तो दोस्तों अब चलिए यहाँ पे मैं आपको कमोड इंस्टॉल करना सिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों कमोड का अनबॉक्सिंग देखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कमोड दिखाई दे रहा है इसी बॉक्स में है, सोमानी का ये कमोड है। खोल के मैं दिखाता हूँ। सोमानी का और भी कमोड का इंस्टॉलेशन का वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। ऊपर आई टैब में है, क्लिक करके आप लोग देख लीजिए। प्ले लिस्ट में है, वहाँ भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए इसको मैं खोल दिया, ये देखिए यहाँ पे कवर इसके अंदर ही फिक्स किया है, अभी खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हाइड्रोलिक कवर है, ठीक है। कमोड को सबसे पहले बाहर में निकालता हूँ। अब देखिए दोस्तों कमोड को मैं बॉक्स से बाहर कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइड वाला व्यू है, ये राइट साइड वाला है। इधर आप देख लीजिए ये इसका फ्रंट व्यू है, ये देखिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो कमोड है ना, यहाँ पे रिम नहीं है, इसके अंदर रिमलेस डब्ल्यूसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे रिम नहीं है, यहाँ पे रिम बना होता है कई कमोड में। कमोड को फिक्स करने के लिए देखिए ये गैस किट है, यहाँ पे वाटर लीकेज को रोकता है। उसके बाद पीछे वाला व्यू मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये इसका पीछे वाला व्यू है, ये देखिए। अब देखिए इसको दोस्तों पलट दिया मैं, और दोस्तों ये जो कमोड का वेस्टेज वाला ये आउटलेट है ना, ये पीछे वाले वाल से ये 220 mm है, ठीक है। 220 mm का मतलब हो गया कि 9 इंच है कमोड का पॉइंट। जब आप 9 इंच में बनाएंगे तो ये प्रॉपर फिट हो जाएगा। और दोस्तों कमोड का पॉइंट अगर ज़्यादा हो जाता है तो दोस्तों वहाँ पे आप 300 mm का कमोड यूज कर सकते हैं। दूरी को दोस्तों एडजस्ट करने के लिए ऑफसेट आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है सोमानी का कमोड। अब दोस्तों इसको फिक्स करने के लिए चलिए बाथरूम में मैं इसको लेके चलता हूँ, उसके बाद वहाँ पे मैं इसको आपको फिक्स करना सिखाऊंगा। दोस्तों अब देखिए मैं कमोड को उठा के बाथरूम में ले आया, जहाँ पे कमोड को मुझे फिक्स करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कमोड का पॉइंट है, कमोड यहीं पे इंस्टॉल होगा। अब कमोड को इंस्टॉल करने के लिए पाइप को कट करना पड़ेगा। पाइप को कितना कट करना है सबसे पहले ये मेजर करेंगे। मेजर करना मैं आपको सिखाता हूँ। ये देखिए ये कमोड है, ये गैस किट है, और इसमें दोस्तों फिक्स करने के लिए स्क्रू भी दिया गया है। ये देखिए कमोड को फिक्स करने के लिए ये स्क्रू है और ये गैस किट है। और दोस्तों ये जो कमोड है काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कमोड को फिक्स करने के लिए जो होल है ना, यहाँ पे आप देख लीजिए साइड में है, पीछे देता है तो पीछे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है टाइट करने में, लेकिन अभी इसमें दोस्तों साइड में दिया हुआ है तो ये अच्छी बात है। और कमोड को पकड़ने के लिए दोस्तों इस तरह से उठा के वहाँ पर रखने के लिए देख लीजिए, यहाँ पर दिया है पकड़ने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये देखिए इजिली यहाँ पर उठा के उसके बाद वहाँ पर रख सकते हैं। और कई कमोड में यहाँ पे प्लेन दिया होता है, यहाँ पकड़ने वाला नहीं रहता है तो यहाँ पकड़ना पड़ता है इस तरह से, ठीक है। लेकिन यहाँ भी दिया है, यहाँ भी पकड़ सकते हैं, यहाँ भी आप पकड़ सकते हैं। तो चलिए पलट के मैं दिखाता हूँ मेजर कैसे करेंगे आप इसका। ये देखिए कमोड को मैं पलट दिया, नीचे वाला हिस्सा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देखिए मेजर आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ पर इस तरह से ब्लेड आपको लगा लेना है, इस तरह से लगा लेना, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे इस सरफेस से दोस्तों ये जो कमोड का किनारे किनारे वाला ये जो सरफेस है ना, सरफेस से दोस्तों ये आधा इंच अंदर हो रहा है। तो अभी दोस्तों ये क्या करना पड़ेगा, आधा इंच जो है देखिए यहाँ पे गैस किट से आपका कवर हो जाएगा। इससे जब आप गैस किट को यहाँ पे रखेंगे ना, ये देखिए यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, तो देखिए अब यहाँ पर ब्लेड रखूँगा मैं, तो देख सकते आप एक इंच बाहर आ गया। तो यानी कि दोस्तों पाइप जो है आपको पाइप को ग्राउंड लेवल तक कट करना होगा, टाइल्स का जो सरफेस है वहां से आप कट करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर इसको रखेंगे, कमोड को रखेंगे, फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी लीकेज नहीं करेगा। तो अब दोस्तों जो कमोड का पॉइंट है यानी कि 4 इंच वाला जो पाइप है वहाँ पर दिख रहा है, उसको टाइल्स के लेवल तक कट करेंगे।
अब देखिए दोस्तों, पाइप को मैं यहाँ पे कट कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, गैस किट है ना, ये गैस किट को आप यहाँ भी रख सकते हैं या फिर इसको आप कमोड में लगा लीजिए। कमोड में लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कमोड में ही लगा के आप कमोड को यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए पेपर को निकाल दिया मैं। देखिए इसको इस तरह से लगा लेना है। अब दोस्तों कमोड को उठा के जो कमोड का पॉइंट है वहां पे रखेंगे। देखिए अब दोस्तों इसको यहां पे इस तरह से रखेंगे और आपको इस तरह से हाथ लगा के देख लेना है, ये बिल्कुल जो पॉइंट है ना उसमें इसको जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, कमोड को मैं यहाँ पे रख दिया और दोस्तों यहाँ पे अब पानी डाल के लीकेज को चेक करना है कि दोस्तों ये जो कमोड है प्रॉपर फिट हुआ है कि नहीं हुआ है, लीक कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। पानी यहाँ पे डालेंगे और यहाँ से लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर लीकेज होता है तो फिर इसको सेट करेंगे और अगर लीकेज नहीं होता है तो फिर इसको मार्किंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं 15 लीटर पानी डाला हूँ और साइड साइड में लीकेज को चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों किसी भी प्रकार का पानी नहीं, आप देख सकते हैं मेरा हाथ बिल्कुल सूखा है। और इधर भी चेक करेंगे, यहाँ भी दोस्तों किसी भी प्रकार का लीकेज अभी यहाँ पे नहीं है। तो अब दोस्तों पानी डालने के बाद यहाँ पे लीकेज बिल्कुल भी नहीं आया है। अब यहाँ पे मार्किंग करेंगे, कमोड को फिक्स करने के लिए भी मार्किंग करेंगे और साइड मार्किंग करेंगे। साइड मार्किंग दोस्तों ये वाला है, ये देखिए इस तरह से साइड मार्किंग करेंगे तो काफी ज्यादा हेल्प करेगा दोबारा जब हम कमोड को रखेंगे तो। अब देखिए कमोड को मैं हटा लिया और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सेंटर मार्किंग में कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे कमोड को फिक्स करने के लिए यहाँ भी मैं मार्किंग किया हूँ। ये देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, यहाँ पे होल करेंगे उसके बाद कमोड को फिक्स करेंगे। अब देखिए दोस्तों ये कमोड को फिक्स करने के लिए यहाँ पे देखिए ये स्क्रू दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों ये जो स्क्रू है ना ये छोटा पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से लगेगा, देखिए काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो ये पकड़ेगा नहीं, इसलिए इस स्क्रू को हटा के यहाँ पे आप 3 इंच का स्क्रू लगा सकते हैं या फिर फास्टनर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अभी दोस्तों फिक्स करने के लिए यहाँ पे होल करेंगे 6 mm के ड्रिल बिट से। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों होल में कर लिया, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये वाल प्लग है, इसको यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों वाल प्लग को मैं लगा लिया, उसके बाद अब दोस्तों कमोड को फिर से यहाँ पे उठा के रखेंगे। अब देखिए कमोड को दोस्तों फिर से मैं यहाँ पे उठा के रख दिया हूँ और अब दोस्तों यहाँ पे फिर से यहाँ पे पानी डालेंगे। पानी डाल के चेक करना है कि लीकेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर लीकेज नहीं होता है तो फिर स्क्रू यहाँ पे टाइट कर देंगे दोनों साइड, और अगर लीकेज होता है तो फिर इसको दोबारा सेट करेंगे। लीकेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे किसी भी प्रकार का व्हाइट सीमेंट या फिर सीमेंट आपको नहीं यूज करना है। वो जो गैस किट है दोस्तों उसके ऊपर रख के इसको प्रॉपर फिक्स कर देंगे तो दोस्तों ये लीकेज नहीं करेगा। चलिए यहाँ पे पानी डाल के मैं इसका लीकेज चेक करता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे पानी पूरा डाल दिया गया है, फिर से यहाँ पे 10 से 12 लीटर पानी मैं डाला हूँ और अब दोस्तों यहाँ पे लीकेज चेक करेंगे साइड में। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों साइड में किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं है, इस साइड भी चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ भी दोस्तों बिल्कुल ड्राई है, लीकेज नहीं है। तो अभी दोस्तों ये जो कमोड यहाँ पे मैं रखा हूँ ना, लीकेज बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब जो साइड साइड में स्क्रू टाइट करना है उस स्क्रू को टाइट करेंगे। देखिए टाइट करने वाला एक इस साइड दिया हुआ है, उसके बाद एक दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है इस साइड, ये देखिए। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे कमोड का जो स्क्रू है इसको मैं टाइट कर दिया, ये देखिए यहाँ भी इसको मैं टाइट कर दिया। दूसरे साइड भी स्क्रू है इसको भी मैं टाइट कर दिया हूँ, इधर से दिखाना।
ये देखिए इसको भी मैं टाइट कर दिया। तो अब दोस्तों ये जो कमोड है पूरी तरह से यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे कमोड का कवर लगाना, उसके बाद जेट को लगाना मैं आपको सिखाऊंगा। फिर यहाँ पे दोस्तों फ्लश का पूरा वर्किंग सिस्टम सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखते रहिए।